नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन दीपक, आम्रपाली संस्थान हल्द्वानी में मैं कार्यरत हूँ और तकरीबन 12 साल से मैं वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आज आपके सामने एक बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक, जिसे हम फोटोशॉप कहते हैं, मल्टीमीडिया का एक बहुत ज़बरदस्त ये एक टॉपिक है, ये टूल है जिसके माध्यम से हम अपने करियर को एक बहुत अच्छी ऊँचा उड़ान दे सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप तकरीबन 1988 से ये शुरू हुआ था और आज तक ये अलग अलग संस्करणों में आप लोगों के सामने आता रहा है। और इसके जो जनक थे वो पहला वर्जन लेके आए थे, जिनका नाम था थॉमस एंड जॉन क्नॉल, जो 1988 में इन्होंने अपना इंडिविजुअल वर्जन जो संस्करण था इसका आपके सामने रखा था। लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण ये इसको डिस्ट्रीब्यूट जो पब्लिश नहीं कर पा रहे थे, तो अडोबी एक कंपनी है जिन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा लिया था सितंबर 1988 में। और इसके बाद मार्केट में धीरे धीरे ये चला और इसके अलग अलग आयामों में इस सॉफ्टवेयर ने अपनी उपलब्धि को दर्ज कराया। इसके संस्करण शुरू हुए थे 0.87 से इसका दिया गया था संस्करण, और आज जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 2018 का सीसी 2018 वर्जन चल रहा है, जो 19.1.4 के वर्जन पर स्थित है। फोटोशॉप जो संस्करण इसके आते हैं वो अलग अलग वर्जन्स में आते हैं और इसकी उपयोगिता भी अलग अलग वर्जन में अलग अलग रही है। और धीरे धीरे चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसको ज़्यादा समय नहीं लगूँगा, क्योंकि वर्जन पर जो बात कर रहे हैं वो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अलग अलग आयाम अलग अलग फील्ड्स पर इस्तेमाल होते हैं। तो फ़ोटोशॉप का जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो नेमिंग स्कीम है, इसको बोला जाता है क्या बोला जाएगा, तो अलग अलग वर्जन के हिसाब से इसके नाम बदले गए हैं। जैसे पहली बार वर्जन आया था फ़ोटोशॉप 1.87 आया था, फिर 1.2 अप टू 7। इसके बाद फ़ोटोशॉप का जो वर्जन आया वो बेसिकली CS नाम से अक्टूबर 2003 में इसका संस्करण बदला था, क्योंकि इसके साथ और भी मल्टीमीडिया के टूल्स जोड़े गए थे अडोबी के माध्यम से, जिसका नाम रखा गया था CS, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव सूट। सूट का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ उसमें सम्मिलित होते हैं, कुछ वीडियो के लिए थे, कुछ एनिमेशन के लिए थे, कुछ इफ़ेक्ट्स देने के लिए थे, जो आजकल बॉलीवुड मूवी हॉलीवुड मूवीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप एक ऐसा टूल है जो लगभग सारे टूलों के साथ मिलकर काम करता है, जिसकी उपयोगिता हर दम हर समय बढ़ती रही है। मैं फ़ोटोशॉप के वर्जन की बात यहाँ पर इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही संस्करण चुनकर उस पर काम कर सकते हैं। और दूसरा ये है, इसका आयाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर हार्डवेयर पर हर वर्जन काम नहीं करता है, कभी कभी आपको अलग अलग वर्जन्स पे भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मजबूरी वर्ष आपको जो वर्जन चाहिए होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी हमें वर्जन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो 2003 में ये वर्जन लेके आए CS, जो CS के आधार पर वो चला। तो सातवें वर्जन के बाद जो आठवां वर्जन आया था उसको हम बोलते थे फोटोशॉप CS, जो 8 वर्जन था तो उसको बोलते थे CS8, फिर आया CS9, देन लाबला अप टू 10। इसके बाद जो 2013 के बाद एक नया वर्जन स्थापित हुआ, इसको बोलते हैं हम CC, जिसको बेसिकली CC 2013 में आया था, फिर 2014, 2015, 2017 और ऐसे ही आज हम 2018 में खड़े हुए हैं उसको लेकर। ये बेसिकली क्रिएटिव क्लाउड बोलते हैं इसको, CC को क्रिएटिव क्लाउड है। अब जो फ़ोटोशॉप के वर्जन्स हैं वो इंटरनेट से भी जोड़ दिए गए हैं, अब हमारा सिर्फ डेस्कटॉप पर ही आप यूज़ नहीं कर सकते, आप क्लाउड पे इस्तेमाल करते हैं, आप वहाँ से सीधा CD का भी अब इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, अब आप सीधा इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जितने अपडेशंस होते हैं वो आपको हमेशा क्लाउड से अवेलेबल हो जाते हैं, नए वर्जन पर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये तो थी कुछ संस्करणों की जानकारी, और जो लेटेस्ट वर्जन है आज की डेट में वो है 2018। हाँ, थोड़ा एक दिक्कत है, वो है कि आज की डेट में इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के लिए इसको ख़रीद पाना बड़ा मुश्किल होता है,
जो लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप के वो 2013 में जब सीसी वर्जन निकाला गया था तो सिर्फ एक फुल वर्जन की जो कीमत थी वो $49 थी, $49, जो अपने आप में एक अच्छी कीमत हुआ करती थी। और आज सीसी 2018 में आप अलग अलग वर्जन के भी अलग अलग कॉस्ट पैसे देकर उसको आप खरीद सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया है, आप पीपीटी में देख रहे हैं कि तकरीबन 2500 से लेकर ये 16000 रुपये दिखा रखे हैं। 2500 रुपये का है वो महीने के आपको देने पड़ेगा और आप उनका क्रिएटिव क्लाउड का सूट इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोटोशॉप सीसी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको 2500 रुपये महीना तकरीबन देना पड़ेगा, जो डॉलर में जो भी आपका कॉस्ट चलता है वो आपको देना पड़ता है। और अगर आप सालाना लेना चाहेंगे तो तकरीबन 16500 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। ये तो थी इसकी पूरी पूरी जानकारी जो फोटोशॉप के तहत मैं आपको बता रहा था। बेसिकली जो फोटोशॉप है वो एक इमेज एडिटिंग टूल है। इमेज एडिटिंग का क्या मतलब है, कोई भी पिक्चर, चाहे वो कोई नेचुरल ब्यूटी हो या फिर किसी एक इंडिविजुअल की पिक्चर हो, उसमें भी हम कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने स्तर पे। और उसको बदलाव करने के बाद आप देख पाएंगे कि उसमें ऐसा लगेगा कि वो नेचुरल ही चीज़ें हैं। वो क्यों हो पाता है, क्योंकि ये रास्टर ग्राफिक्स को रिकॉग्नाइज करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप फोटोशॉप के साथ फोटोज़ को आप आइकन्स डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने आर्ट वर्क को स्कैन करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, आप वेब वर्ल्ड में पब्लिश कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोटोशॉप के द्वारा की जाती हैं। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई फील्ड मिला ही नहीं है जो ये कहता हो कि मुझे फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है। आज हर जगह कंप्यूटर लग गया है और वहाँ पर चाहे वेबसाइट की बात हो, चाहे डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात हो, फोटोशॉप के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न एरियाज़ हैं जिनके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। फोटोशॉप में जो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो क्या क्या है, एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या चीज़ है, जहाँ पर आप ब्रोशर्स प्रिंट करते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट होते हैं, सर्टिफिकेट प्रिंट होते हैं, हर जगह फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी बिना फोटोशॉप के काम नहीं चलता है, इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दूसरा आयाम जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड वेब डिज़ाइनिंग। अब वेब डिज़ाइनिंग का जो आयाम है वो लगभग अब हर छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तक आज की डेट में वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसके फ़ोटोज़ को और अच्छा बनाने के लिए हम फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। साइट पर और इंटरेक्टिव आइकन्स बनाने के लिए हम वेबसाइट पर फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, बिना इसके काम नहीं हो पाता है। फोटोग्राफी में कई बार हम सही चित्र ना ले पाने के कारण भी हमें फ़ोटो को दोबारा खींचना पड़ता है। तो अब फोटोशॉप के होने की वजह से हम एक अपने हिसाब से फ़ोटो खींचने के बाद फोटोशॉप में उसको एडिट करके वैसा बना सकते हैं जैसा हमको चाहिए, और हमें अलग अलग जगह जाके ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ़ोटोशॉप की खूबसूरती है। और फोटोशॉप में ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट्स और ऐसे ऐसे चित्रकारी की जा सकती है जिसके बारे में अमूमन रियल ज़िंदगी में सोचना भी लगभग असंभव है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जहाँ पर हमारा पेंटिंग होती है, ड्राइंग्स होती हैं, जहाँ पर हम जैसे हम DTP का काम हो या वेब डिज़ाइनिंग का काम हो, तो वहाँ पर हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी चाहिए होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के दुनिया में भी हमें कुछ ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके काम नहीं हो पाता, वहाँ पर भी फोटोशॉप हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। एनिमेशन की दुनिया है, कार्टून है, बच्चे देखते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा करियर उपलब्ध है सब बच्चों के लिए, आने वाले युवा के लिए, तो वहाँ पर भी फोटोशॉप का बहुतायत में इस्तेमाल होता है। ऐसी आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में जो अभी कुछ साल पहले अभी जो मुगले आज़म आपने मूवी देखी थी, जो बहुत साल पहले आई थी और उसके बाद उसका कलर संस्करण निकाला गया, तो वो फोटोशॉप के माध्यम से ही सफल हो पाया था, जो अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त एक जीत थी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बहुत आयाम हैं, यहाँ तक कि कुछ और बताता हूँ, जैसे आपके मेडिकल फील्ड है, वहाँ पर भी फोटोशॉप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, जहाँ पर एक्सरे आते हैं आपकी, उनके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर की पिक्चर्स ली जाती हैं, तो वहाँ पर भी फोटोशॉप के एडिटिंग की खास तौर पर ज़रूरत पड़ती है, प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। एक आयाम और है, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी फोटोशॉप की बड़ी बहुतायत में ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ बातें थी फोटोशॉप के बारे में। अगले संस्करण में हम ये बात सीखेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि फ़ोटोशॉप अगर आपने इंस्टॉल किया है विंडोज़ पे
यहाँ पर हम विंडोज़ की बात करेंगे। विंडोज़ में इंस्टॉल किया है तो आप फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट में जाएंगे तो फोटोशॉप का आइकन अमूमन सॉफ्टवेयर की तरह आ जाता है, आप उसे क्लिक करें और ओपन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फोटोशॉप का वर्जन आपके सामने रखा गया है वो है CS5, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हो सकता है, आप भी उस पर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आगे पीछे किसी भी वर्जन में आप बहुत आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। जब आप फोटोशॉप पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा आइकन आता है, वो जब लोड हो रहा होता है, थोड़ा टाइम लेता है फोटोशॉप, तो जब लोड हो जाता है तो उसकी जो विंडो आती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ये था कुछ फोटोशॉप के बारे में। फोटोशॉप की जो फाइल हमारी सेव होती है वो जो ओरिजिनल फाइल जैसे कहते हैं वो PSD में सेव होती है, .psd में, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका पूरा नाम है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो फोटोशॉप में जो डॉक्यूमेंट है वो सेव होगा PSD में, जिसके अंदर हम अपने ओरिजिनल काम को सेव करके रख सकते हैं, जो बाकी फ्यूचर में या भविष्य में हमें ज़रूरत पड़े तो उसमें हम कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, हम स्टेप बैक भी कर सकते हैं कुछ लेयर्स की मदद से। लेकिन फोटोशॉप की फाइल को अगर हम कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पोर्टेबल फॉर्मेट्स हैं जिसको हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं और उसमें फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें खोलने के लिए, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, DTP हो, कहीं भी उनको पोर्टेबल फॉर्मेट्स में हमको सेव करना पड़ता है। तो वो जो फोटो फॉर्मेट है आप PPT में देख पाएंगे, ये .jpg है, .png है, .gif है, .pdf है, .tiff है, ऐसे बहुत सारे हमने इसमें फॉर्मेट्स दिए होते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं। यही जितने भी पोर्टेबल फॉर्मेट्स हैं वो वेब, प्रिंटिंग, फोटोज, DTP में सर्वथा काम आते हैं, इनके बगैर काम नहीं चलता। तो इनकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, हम अगले लेक्चर्स में भी आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। ये भूरी भूरी फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट है कि आप किसी एक सिस्टम में अगर लेते हैं तो फोटोशॉप में कुछ PPT में लिखा हुआ है तो रिकमेंडेड, जहाँ रिकमेंडेशन आपको दी गई है आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप क्लाउड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोटोशॉप के लिए आपको कम से कम 16 GB का रैम तो चाहिए ही उसको इस्तेमाल करने के लिए, वरना कई सारे उसमें ऐसे इफ़ेक्ट्स ऑप्शंस हैं जो काम नहीं कर पाते हैं। अन्यथा आप 8 GB रैम तक कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप ले सकते हैं। हार्ड डिस्क कम से कम 500 GB का होना चाहिए, मिनिमम इतना ही मिलता है, नहीं तो ये चीज़ 40 GB में भी काम कर जाती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट है, इतना फोटोशॉप के साथ तो आपको काम करना पड़ेगा। इसमें कुछ 3D इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसमें 3D माउस की ज़रूरत भी पड़ती है, तो आपको रिकमेंडेशन है कि आप 3D माउस का भी इस्तेमाल करें, तभी उसमें 3D के इफ़ेक्ट्स पे भी आप काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट थी फोटोशॉप की और ये कुछ वर्जन्स थे जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है मार्केट के अंदर ये भी हमें पता होना चाहिए, वरना फोटोशॉप को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा आप ब्लैंक रहेंगे, क्योंकि और अन्यथा सॉफ्टवेयर के अलग सॉफ्टवेयर की वजह से ये कुछ अलग थलग रहता है और जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बच्चों को भी भाता है और युवा के लिए करियर में भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। मुझे तो मेरे करियर में 10 साल में इसने कई आयाम छूने में मेरी बहुत मदद की है और आज आप लोगों के सामने हूँ जो मैं इसके बारे में आपको कुछ बता पा रहा हूँ। तो ये लेक्चर मेरा यहीं तक था और इसका जो फ़ायदे हैं वो बहुतायत में हैं और इस महज फोटोशॉप सीख के भी आप नौकरी पा सकते हैं, इतना ज़बरदस्त ये टूल है। सिर्फ आप उसके लिए कोई डिग्री भी ज़रूरत नहीं है, आप अक्सर फोटोशॉप अगर आप सीख लें तो इसमें जगह जगह आपकी, हर जगह आपकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई सैचुरेशन भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इसके बंदे ख़त्म हो जाएंगे या फिर इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है, जिस आयाम पे आप जाएंगे वहाँ फोटोशॉप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही करियर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। इस महज इसकी वजह से एक फ़ोटोग्राफी की दुकान में आप चले जाएँ तो वहाँ पर दो बंदे जो काम कर रहे होते हैं फोटोशॉप पर काम कर रहे होते हैं, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, फ़ोटोशॉप पे काम करके वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं। बड़ा जाएं तो आज MNCs में भी फ़ोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलग जो है आपके केबिन्स और आपके स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जिस पर लोग और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग काम करते हैं। तो ये कुछ फ़ोटोशॉप के वर्जन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम फोटोशॉप के कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसमें कैसे काम किया जाए, इसके बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।